नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका डिप्रेशन कोच डॉक्टर भव्यदीप भाटिया। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं हैप्पीनेस टिप्स के बारे में। दोस्तों, अभी रिसेंटली हार्वर्ड के अंदर एक मीटिंग हुई जिसके दौरान कुछ अंश मेरे को जो देखने को मिले उसके, और उसमें से मैंने कुछ 14 हैप्पीनेस टिप्स जो हैं निकाली, जो कि डिप्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। दोस्तों, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, उन टिप्स को समझिए। अगर आप उनको समझ लेते हैं तो मुझे उम्मीद है काफ़ी हद तक आपका जो डिप्रेशन है वो आपके नज़दीक नहीं आएगा। और ये 14 की 14 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं दोस्तों, इनको फॉलो कीजिए। पहली टिप दोस्तों, थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग यू हैव। 10 चीज़ें ऐसी लिख लीजिए जो आपके पास हैं, जो आपको खुशी देती हैं, और उसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। बिकॉज भगवान ने हमारे को बहुत कुछ दिया है, पर हम लोग हैं धन्यवाद नहीं करते हैं। आप एक बार दिन में थैंक्स कीजिए भगवान को, आपके पास लौट के ज़रूर आएगा वो थैंक्स। दोस्तों, इसको फॉलो कीजिए। टिप नंबर 2, प्रैक्टिस फिज़िकल एक्टिविटी, यानी कि किसी भी तरह से छोटे फॉर्म के अंदर 5-10 मिनट नहीं तो वॉक ही सही, नेचर को थोड़ा देखते हुए, या फिर 10-5 मिनट की स्ट्रेचिंग सही, इतना ही फिज़िकल एक्टिविटी भी अगर आप करते हैं तो आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, उसको किया कीजिए दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी टिप, ब्रेकफास्ट। आपका जो ब्रेकफास्ट है दोस्तों, वो टाइम पर होना बहुत ज़रूरी है और वो हैवी होना ज़रूरी है, उसके अंदर प्रॉपर प्रोटीन्स होने बहुत ज़रूरी है, और बाकी चीज़ों का बैलेंस भी रखिए। ब्रेकफास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मील होता है दिन का, उसको बिल्कुल बड़े ठंडे दिमाग से, आराम से, तसल्ली से खा के फिर निकलिए घर से। दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉर द होल डे। टिप नंबर 4, असर्टिव। आस्क, आपको जो चाहिए आप बोलिए। अगर आप बोलते नहीं हैं तो आप गलती करते हैं। आपको बोलना है, अपनी चीज़ों को मांगना है, जहाँ आपका राइट है उसके लिए आप कह सकते हैं, और उन चीज़ों के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो अपने हक़ के लिए लड़ भी सकते हैं। टिप नंबर 5, स्पेंड योर मनी ऑन एक्सपीरियंसेस। आई मीन टू से, देखिए दोस्तों, ये एक ऐसी टिप है कि आपको जो अपना पैसा है वो चीज़ों पर खर्च नहीं करना है, आपको अपना पैसा तजुर्बे पर खर्च करना है। जैसे कि आपने कहीं इंग्लिश की कोचिंग ली, आपने कहीं कुछ सीखने के लिए स्पेसिफिकली कोर्स की कोचिंग ली, आपने कहीं जाके कुछ ऐसी चीज़ देखी, कोई मूवी देखी जो आपको एक्सपीरियंस दे जाती है, तो एक्सपीरियंसेस पे पैसा खर्च कीजिए, चीज़ों पर ना कीजिए। वो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देगा और डिप्रेशन से दूर रखेगा। टिप नंबर 6 दोस्तों, फेस योर चैलेंजेस, यानी कि अपने जितने भी चैलेंजेस हैं उनको क्लोजली, जो खड़े हैं बीच में अभी इस समय, एक एक करके इन चैलेंजेस को समझिए और उनको ख़त्म कीजिए। क्योंकि चैलेंजेस अगर आप ख़त्म कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएंगे, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। चैलेंजेस से डरिए मत, उनको इग्नोर मत कीजिए, उनको फेस करके उनको ख़त्म कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, और आपको ख़त्म तो करने पड़ेंगे आज नहीं तो कल। तो दोस्तों, फेस योर चैलेंजेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टिप नंबर 7, पुट एवरीवेयर नाइस मेमोरीज, फ्रेजेस एंड फोटोज़ ऑफ योर लव्ड वंस, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपके आसपास आपकी फैमिली की या जिन लोगों को आप प्यार करते हैं उनकी छोटी छोटी उनसे जुड़ी यादें, इस तरह की चीज़ें आपके कमरे में होनी चाहिए, जो कि आपको, आपका जो मन है वो भरा रहे और आपको लगे कि आप अगर अकेले भी इस समय बैठे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत लोग हैं। और दोस्तों, लोग आपकी ज़िंदगी में हो या ना हो, एक आदमी अकेला अपने लिए बहुत कुछ होता है। अगर वो करना चाहे तो वो दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकता है। उस भावना से जिए, अपने लिए मत जिए, लोगों के लिए जिए, दुनिया के लिए जिए, तो जिए, अपने लिए जी के क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, इस हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको जो है अच्छी नज़र आएंगी, अच्छी। टिप नंबर 8, ऑलवेज ग्रीट एंड बी नाइस टू अदर पीपल। हर एक व्यक्ति को देखिए दोस्तों, सम्मान दीजिए, सम्मान दीजिए, हर एक व्यक्ति के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखिए, बहुत ज़रूरी टिप है ये दोस्तों। टिप नंबर 9, वियर कंफर्टेबल शूज़। हमेशा हमेशा ये ध्यान रखिए कि अपने जो जूते हैं ना आप, वो कंफर्टेबल पहनिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। टिप नंबर 10, टेक केयर ऑफ़ योर पोस्चर। आपका जो पोस्चर है, आपको चलते हुए सीधा रहना है, आपके शोल्डर्स, जो बैक है आपकी, बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, जिससे कि आपका जो मूड है वो अच्छा रहे और आप जो है बिल्कुल स्ट्रेट देखें। और स्ट्रेट देखना ज़रूरी है, ये नीचे देखने वाला जो पोस्चर होता है, गर्दन झुका के चलना, वो गलत होता है दोस्तों, वो नहीं फॉलो करना है। टिप नंबर 11, लिसन टू म्यूज़िक। अच्छा म्यूज़िक सुनिए, जितना आप सुनना चाहें म्यूज़िक, किसी भी तरह का हो सकता है, हर तरह का म्यूज़िक हीलिंग होता है, उसको सुनिए। व्हाट यू ईट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर मूड। देखिए, आप जो भी खाते हैं सोच समझ के खाइए, अच्छा खाना खाइए, अपनी पसंद का खाइए, क्योंकि उससे भी आपका मूड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है पूरे दिन में। तो उतने मूड को अच्छा रखिए, और वो खाने पे डिपेंड करता है। खाना अच्छा खाइए, साफ़ सुथरा खाइए। टिप नंबर 13, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड फील अट्रैक्टिव।
अपना ध्यान रखिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अपने आप को सजाइए धजिए, जहाँ जितना थोड़ा बहुत अगर ज़रूरी है, यू नो यू हैव टू गेट अपने हेयर्स वगैरह अपने मेंटेन रखिए, अपने आप को प्रॉपर अपडेट रखिए। ये नहीं आपने मतलब किसी भी तरह से अपने आप को वियर्ड छोड़ रखा है, वो आपने नहीं करने दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, फर्वरेंटली बिलीव इन गॉड। देखिए आपका भगवान में विश्वास बहुत ज़रूरी है, वो रखिए और देखते जाइए आपकी ज़िंदगी की कितनी प्रॉब्लम्स जो हैं अपने आप ख़त्म हो जाएंगी दोस्तों। भगवान के अंदर फेथ रखिए और जितना हो सके डिप्रेशन को आंखों में आंखें डाल के फेस कीजिए। हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हमेशा आपके साथ खड़े हैं, और जितना हो सके, ये तो फैमिली है, हम आपका पूरा साथ देंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।